हेलो स्टूडेंट्स, और सभी लोग ठीक ठाक हैं? यस सर। हम लोग केमिस्ट्री में तुल्यांकी भार की बात आज सोच रहे हैं कर लें। ये तुल्यांकी भार, इसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ये जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट काफी ब्रॉड है। एसिड के लिए अलग यूज होगा, बेस के लिए अलग यूज होगा, सॉल्ट के लिए अलग यूज होगा, रेडिकल्स के लिए अलग यूज होगा। इसका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। जैसे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तुल्यांकी भार, इसमें यच जो है दो है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और इसके बाद दो से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें यच जो है दो है। यच दो है जरूर, लेकिन किसी एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है, जैसे इसमें से कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, वो मैक्सिमम दो निकल सकता है, उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 2 × 1 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 × 60। ये सभी एटॉमिक वेट होते हैं, 5 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 98 आएगा, 98 × 2 दैट इज इक्वल टू 49। तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का हो जाएगा 49।